उत्तर प्रदेश जिला बरेली में नागरिकता विधेयक के खिलाफ आईएमसी ने दिया ज्ञापन। एडीएम सिटी ने नमुल्ला मस्जिद पर लिया ज्ञापन। तेज बारिश के बाद ही भीड़ देख प्रशासन के हाथ पांव फूले। आपको बता दें, नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ आज इतवद्दन मिल्लत काउंसिल ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नमुल्ला मस्जिद पर एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। तेज बारिश के चलते बड़ी संख्या में मुसलमानों ने धरने पर भाग लिया। ज्ञापन देने से पहले आम जनता को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सरकार जो बिल लागू करने को जा रही है मुसलमान के खिलाफ है और एनआरसी और कैप के द्वारा मुसलमान को देश से निकालने की एक बड़ी साजिश है। सरकार के बिल के खिलाफ हमारे हिंदू भी हमारे साथ है। हम लोग एक साथ रहते आए हैं, आपस में इत्तेहाद चाहते हैं। हम संविधान का पालन करेंगे। जो कोई संविधान के खिलाफ काम करेगा उसकी मुखालफत करेंगे। सरकार मुसलमान को दूसरे दर्ज पर नागरिक मान रही है। अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो गली गली में खून बहेगा और संविधान रक्षा के लिए गोली खाने को तैयार हूँ। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम प्रसादन महेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया। ओ भाई एक मिनट देना तो खेचो 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 कानून हम हाथ में ले सकेंगे या अपने लोगों को रोक सकता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कानून वापस न लिया गया तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा, ये हम कह सकते हैं। मैं कानून अपने लोगों को किसी भी मत से हाथ में नहीं लेने दूंगा, लेकिन अगर इस कानून को विस्तार नहीं किया गया तो मैं जाने के साथ कहता हूँ, सबसे पहली खुली मेरे सूर्य पर चलेगी और सबसे पहला एहतजाज सड़कों पर होगा, खूनी संघर्ष होगा। इस कानून को वापस लिए बगैर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में कहीं भी हमें जाना पड़े, कितना ही दौरा करना पड़े, कितनी तकलीफ हो उठाने पड़े, तब आप लोग हाथ उठा के बताओ। अगर दिल्ली घेरना पड़ेगी, अगर संसद को घेरना पड़ेगा तो हम लोग हर वक्त साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के चलेंगे, कभी कोताही नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत और बाबकार जिंदगी बसर करनी है तो यह कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। इस वक्त मैं अब तमाम लोगों से यह दरख्वास्त करता हूं कि हम चाहते तो ये थे कि हम यहां से पैदल मार्च कचहरी तक करें, लेकिन मौसम का तकाजा है और जिला प्रशासन की भी ये ख्वाहिश है। 144 भी लगी हुई है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम कानून का एहतराम करते हैं तो कानून का एहतराम करते हुए और अपने इस दावे को साबित करते हुए मैं जिला प्रशासन को किसी दिक्कत परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे यहाँ आए हैं वो आए और यहाँ आकर ज्ञापन ले लें, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर हम ठीकते हुए भी कचहरी जाने के लिए तैयार है। बनाए हुए संविधान में किसी किस्म का फेरबदल किया जाना यह हिंदुस्तान के
अमन पसंद लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इस पर फौरी तौर पर पुनर्विचार किया जाए और इसको विथड्रॉ किया जाए, ये हमारी अपील। अरे भाई साहब, तो आप पीछे। अरे सर, एक मिनट, हाथ लगा लिए थे जी, एक मिनट भाई साहब, तो पीछे आइए। अरे अरे मोबाइल पीछे कर लो भैया। अरे मोबाइल का बड़ा डर किया है, बारिश की आने वाली बहुत तेज है। अरे तभी तो बोले मेरी बारिश थी, बर्बादी बारिश थी। भैया किसी का